अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। डरूंगा नहीं, लेकिन मैं पुलिस से, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आपकी भर्ती की वजह से मुझे डराने की कोशिश नहीं करेगा कोई। ये बात ध्यान से समझ लें अनिल शाह साहब, मैं डरता नहीं हूँ, मैं इनके शेर के निशान की इज्जत करता हूँ। मैं किसी पुलिस से नहीं डरता, मैं भगत सिंह का मानने वाला हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानने वाला हूँ। ताकत से मुझे मार सकते हो अमित शाह, मुझे दबा नहीं सकते अमित शाह। ध्यान रखना ये ईवीएम कितना बड़ा धोखा है, इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मुझे लगता है अमित शाह साहब बहुत डर गए हैं, उनको ये खतरा हो गया है कि कहीं चुनाव आयोग के अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे जो ईवीएम मशीनें हमें दे देंगे। अगर ईवीएम मशीनें हमें अमित शाह साहब ने नहीं रोका देने से चुनाव आयोग को, तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि ये ईवीएम कितना बड़ा धोखा है। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रही है हमें, ये पुलिस अमित शाह साहब की पुलिस रोक रही है। और अगर आज लोग हम जिंदा रहे तो कल आपको 12 बजे हम सब लोग जंतर मंतर पे मिलेंगे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट। लर्न टू सक्सीड। इंस्टीट्यूट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, करंटली ऑफरिंग 20% डिस्काउंट्स। विजिट फॉर डिटेल्स एंड फ्री करियर काउंसलिंग एट एमजी रोड आदर्श नगर कलबुर्गी। जैसा हमने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी कि हम लोगों को 50 ईवीएम की मशीनें दे दी जाएं, और हम एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने हमें मना नहीं किया। चिट्ठी लिख के हमने 1 तारीख को चिट्ठी लिखी थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने वो 50 ईवीएम की मशीनें सील करके हमारे लिए तैयार रखी होंगी। और शायद इसी से डर के अमित शाह साहब ने पुलिस भेजी है कि चुनाव आयोग हमें वो मशीनें दे ना दे और उनकी पोल ना खुल जाए। तो आप ये पुलिस को देख सकते हैं कितनी पुलिस आई है। अभी तक कल हमें पुलिस ने एक चिट्ठी लिखी कि आपकी ने जो परमिशन मांगी थी वो कैंसिल कर दी गई। हमने कोई परमिशन मांगी नहीं थी, हम कोई प्रदर्शन या धरना करने जा ही नहीं रहे, हमारा तो चुनाव आयोग से एक वार्तालाप चल रहा है। हमने चिट्ठी लिखी उन्हें और उन्होंने मना नहीं किया हमें कि हम 50 50 50 आपको ईवीएम दे देंगे, और हम एक डेलीगेशन बना के जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे, ये भी चिट्ठी हमें लिख के दी। अब धारा 144 में आप देख लीजिए कितने लोग घूम रहे हैं, धारा 144 ऐसे लगी नहीं सकती, कोई ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने हमें। यहाँ बस स्टैंड पे देख लें आप, 4-5 लोगों से ज़्यादा खड़े हैं। तो हम ऐसा करेंगे, हम 4-4 लोग एक एक मीटर का गैप बना के जाएंगे, और चुनाव आयोग ने जो हमारे लिए 50 मशीनें तैयार रखी हैं वो हम उनसे लेके और जल्दी अलग अलग शहरों में उसको करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति होती या किसी भी नागरिक को कोई आपत्ति होती तो हमें बताता, क्योंकि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेने। तो लेकिन मुझे लगता है अमित शाह साहब बहुत डर गए हैं, उनको ये खतरा हो गया है कि कहीं चुनाव आयोग के अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे जो ईवीएम मशीनें हमें दे देंगे। अगर ईवीएम मशीनें हमें अमित शाह साहब ने नहीं रोका देने से चुनाव आयोग को, तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि ये ईवीएम कितना बड़ा धोखा है। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ और देश की डेमोक्रेसी बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ। भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, हमारे सारे साथी हमारे साथ हैं, अभी हम यहाँ पीसफुल तरीके से चल के जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से वो अपनी 150 मशीनें हासिल करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि इसके कुछ पैसे भी चाहिए उन्हें, तो हम वो पैसे भी तैयार रख के लाए हैं। आज देश की डेमोक्रेसी में देखिए अमित शाह साहब डर गए, मुझे यही लग रहा है। ये पुलिस भेजने का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं बताया कि इनको मना किया है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं बोला है कि यहाँ मत आने दीजिए, और हम कोई यहाँ पे जाके कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर ही नहीं रहे, हम कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे, हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने की ठानी नहीं है। हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है छोटा सा, और वो डेलीगेशन ज़रूर जाएगा। रोकने के लिए अमित शाह साहब को गोली चलवानी है, गोली चलवा लें, लाठी चलवानी है, लाठी चलवा लें, और कोई कार्रवाई करनी है कर लिए, लेकिन ये देश की डेमोक्रेसी, ये देश को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, खतरे में नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐलान है, आज हमारे को अगर गोली मारी गई तो हम देशवासियों से आह्वान करते हैं कि वो हमारी जगह इस मिशन को आगे बढ़ाएं, ईवीएम जो मशीनें हैं उनको दिखाएं कि इससे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, इससे देश की संविधान की हत्या की जा रही है, ये पूरी दुनिया को दिखाएं। अगर आज हम लोग शहीद हो जाते हैं तो मैं ये अपनी वसीयत करके हम लोग आज जा रहे हैं यहाँ से, अगर हमें आज गोली मारी जाती है तो देश इस बात को उठाए आगे। कल जल्दी हटाओ।
ऐसा नहीं लगता है। ये बचाओ, देश बचाओ, ये बचाओ, ये बचाओ, ये बचाओ। अगर 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 ये बचाओ, एक मिनट बचाओ, अगर एक मिनट, एक मिनट। आपको ऐसा क्यों लग रहा है बोली चाहिए? मैं देखिए, हमें इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं रोका, ये पुलिस रोक रही है हमें। इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रही है हमें, ये पुलिस, अमित शाह साहब की पुलिस रोक रही है। और अगर आज लोग हम जिंदा रहे तो कल आपको 12 बजे हम सब लोग जंतर मंतर पे मिलेंगे, कल ठीक 12 बजे। या अगर अगर आज हम अरेस्ट हो गए या गोली मार दी गई तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो सभी लोगों से गुजारिश है, कल से बड़ा आंदोलन जंतर मंतर से शुरू होगा और सभी लोग जंतर मंतर कल 12 बजे पहुंचे। आज ये हम सब, ये अमित शाह साहब बनवाएंगे और कौन मारेगा, और कौन मारेगा? इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं किया ना देने से। प्राचा जी, ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं है कि 50 ईवीएम आपके लिए सील करके रखी हुई होंगी उन्होंने? नहीं नहीं, मना करते ना हमने एक तारीख से एक। और ये पुलिस क्यों भेजी फिर? हम इलेक्शन कमीशन शांतिपूर्ण ढंग से जाते, वो हमें मना कर देते कि नहीं हम नहीं देंगे। ये पुलिस से क्यों रुकवा रहे हैं हमें? इससे हमें पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन शायद मशीनें देना चाहता। लेकिन सर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है आपकी डिमांड की 50 मशीनें आपके लिए? 19 लाख मशीनें, भानु जी आपको 50 बार नहीं 100 बार बता चुके हैं, 19 लाख मशीनें चोरी जरूर हो सकती हैं। हमको 150 मशीनें नहीं देंगे, क्यों लगता है आपको ऐसा? इलेक्शन कमीशन ने जब 19 लाख मशीनें चोरी होने के बाद भी FIR नहीं कराता तो 150 मशीनें देने में क्या, हम तो पैसे देने को भी तैयार हैं। कोई किसी बड़े एयरलाइन, इंडिया एयरलाइन से बातचीत हुई आपकी, कोई डेलीगेट को? ये देखिए, जनता की आवाज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज भी जनता का हिस्सा है। अगर ये जनता की आवाज़ जितनी मुखर होगी, पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ आएंगी। हमें उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी उतनी कंसर्न है जितनी देश की जनता। लेकिन ये शुरुआत देश की जनता को करनी थी, जनता ने आज शुरुआत कर दी है अपनी जान हथेली पे लेके। अब बाकी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये कह के हम आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ी देर। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट। लर्न टू सक्सीड। इंस्टीट्यूट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, करंटली ऑफरिंग 20% डिस्काउंट्स। विजिट फॉर डिटेल्स एंड फ्री करियर काउंसलिंग एट MG रोड, आदर्श नगर, कलबुर्गी।